जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनका जो 32% रिजर्वेशन को काट करके 20% किया और बीजेपी ने भी उसमें सपोर्ट किया, बीजेपी कांग्रेस की दोनों की मिली भगत से इनका आरक्षण 32 से 20 हुआ है। अन्या बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे यानी कि एक आदिवासी का बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो नेतृत्व सौंपा है कि आदिवासी समाज को जोड़ने का प्रयास करो, तो उसी कड़ी में आदिवासी समाज को दिखाने के लिए आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी समाज बीएसपी के साथ है और आदिवासी समाज को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नेतृत्व सौंपा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आदिवासी राज की बात होगी, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होगी और आदिवासी समाज का अपना एक संस्कृति है, अपनी सारी चीजें हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आप जो एक तरीके से बोल सकते हैं वोटों के माध्यम से जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से आदिवासी समाज को अपनी तरफ आप डाइवर्ट करेंगे? देखिए, आदिवासी ना तो आस्तिक है ना तो नास्तिक है, आदिवासी एक प्राकृतिक है। आज ये धर्मों के चक्कर में ना पड़ के हमको अपने हक अधिकार की बात करना है और बहुजन समाज पार्टी वही काम कर रही है। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आज से लगभग 20-30 साल पहले 1996-97 में भी इस जगदलपुर में आदिवासी मेला लगाया था और उन्होंने ही सबसे पहले वीर गुंडाधुर का और बिरसा मुंडा का, रानी दुर्गावती का और हमारे आदिवासी समाज के राजे महाराजाओं का परिचय कराया था। तो बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज आदिवासी समाज जागरूक हुआ है। तो साथियों जय भीम, इस वक्त है हम जगदलपुर में और जगदलपुर में जहाँ पर आदिवासी जो बिरसा मुंडा इनका सम्मेलन यहाँ पर मेला लगाया हुआ है और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया गया है और इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन का जो आयोजन जिन्होंने किया बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम साहब हमारे साथ में है, क्या बताएंगे सर आज के इस कार्यक्रम को? आप स्वयं देख रहे हैं कि आदिवासी समाज किस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनका जो 32% रिजर्वेशन को काट करके 20% किया और बीजेपी ने भी उसमें सपोर्ट किया, बीजेपी कांग्रेस की दोनों की मिली भगत से इनका आरक्षण 32 से 20 हुआ है और शेड्यूल कास्ट भी यहां पर परेशान है, ओबीसी ऑलरेडी जो है 27% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी शुरू से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए प्रयास करती है और करती रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। जिस तरह से ST SC OBC के समाज के लोग आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नाराज हैं, उसको जो है बहुजन समाज पार्टी अपनी पक्ष में करने के लिए आज ये सभा को कर रही है और आज हमारे आए हुए अतिथिगण बताने का काम करेंगे कि कांग्रेस भाजपा ने किस तरह से आदिवासी समाज को धोखा दिया, किस तरह से ओबीसी को धोखा दिया, किस तरह से ओएससी को धोखा दिया, सर्व समाज को धोखा दिया। तो अब ये एकमात्र रास्ता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए और आने वाला समय निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आने वाले समय में अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के और आपके माध्यम से क्या रणनीति रही? देखिए, मैदानी इलाकों में बहुजन समाज पार्टी पहले से ही मजबूत है और ट्राइबल बेल्ट में जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे यानी कि एक आदिवासी का बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो नेतृत्व सौंपा है कि आदिवासी समाज को जोड़ने का प्रयास करो, तो उसी कड़ी में आदिवासी समाज को दिखाने के लिए आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी समाज बीएसपी के साथ है और आदिवासी समाज को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नेतृत्व सौंपा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आदिवासी राज की बात होगी, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होगी, तो सबसे पहला जो पहल होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होगा। सर, एक सवाल हर समय चर्चा में रहता है, जब भी चुनाव आते हैं ये सवाल चर्चा में आ जाता है कि जो आदिवासी समाज है ये कहीं ना कहीं इसको हिंदू कर आइडेंटिफाई किया जाता है और आदिवासी समाज का अपना एक संस्कृति है, अपनी सारी चीजें हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आप जो एक तरीके से बोल सकते हैं वोटों के माध्यम से जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से आदिवासी समाज को अपनी तरफ आप डाइवर्ट करेंगे? देखिए, आदिवासी ना तो आस्तिक है ना तो नास्तिक है, आदिवासी एक प्राकृतिक है। आज आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से प्रकृति का यहाँ पर चित्रण हो रहा है, प्रकृति का आदिवासी नृत्य का चित्रण हो रहा है, आदिवासी जो है किसी धर्म से भी परे है, आदिवासी समाज के लोग स्वयं जो है बहुत सारे आंदोलन चला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी किसी धर्म से बहुत दूर है, एक प्राकृतिक जिंदगी जीता है, हम इस धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोगों को तो भारत में जो संविधान में आदिवासियों को जो हक अधिकार दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 244(1) है, 13(3)(क) है, जो रूढ़ी प्रथा का संरक्षण की बात है, वो जो है संविधान में पालन नहीं हो रहा है इन सरकारों के द्वारा। ये संविधान में जो दिया गया प्रावधान कौन पालन करेगा, कौन सरकार इसकी रक्षा करेगी? तो हम लोग निश्चित रूप से अपना आदिवासी समाज को बताने में कामयाब हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही आपके हक अधिकार की रक्षा कर सकती है, तो इसलिए ये धर्मों के चक्कर में ना पड़ के हमको अपने हक अधिकार की बात करना है और बहुजन समाज पार्टी वही काम कर रही है। सर, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को लेकर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो सरकार में आएगी, लेकिन इसी के चलते चलते तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में देखी गई, उसके बाद में उन्होंने ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस को देखा
ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस को देखा, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर में आदिवासी समाज या फिर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है ये क्यों विश्वास करें? देखिए, आज जो जागरूकता आई है, आदिवासी समाज भी सामाजिक रूप से अभियान चला रहा है कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ में, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की देन है। माननीय साहब कांशीराम जी ने आज से लगभग 20-30 साल पहले 1996-97 में भी इस जगदलपुर में आदिवासी मेला लगाया था, और उन्होंने ही सबसे पहले वीर गुंडाधुर का और बिरसा मुंडा का, रानी दुर्गावती का और हमारे आदिवासी समाज के राजे महाराजाओं का परिचय कराया था। तो बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज आदिवासी समाज जागरूक हुआ है। तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज को समझना होगा कि एकमात्र उनकी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी है। और आज मैं हेमंत पोयाम, एक आदिवासी का बेटा जो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज को उनको न्याय दिलाने के लिए हेमंत पोयाम बिल्कुल सामने खड़ा रहेगा और अपने अंतिम सांस तक अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी से मैंने ये सीखा है और निश्चित रूप से आदिवासी समाज को बहुजन समाज पार्टी के ऊपर विश्वास करना चाहिए और आदिवासी समाज बहुजन समाज पार्टी के ऊपर विश्वास करेगा। आने वाले समय में ट्राइबल बेल्ट से भी हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर आप क्या रणनीति रखेंगे और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की एक ही नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो भारत के संविधान में निहित है, और वो बहुजन समाज पार्टी को लोग आज समझने लगे हैं। पहले तो बहुजन समाज पार्टी से दूर भागते थे, इसको शेड्यूल कास्ट की पार्टी मानते थे, लेकिन आज हमारे साथ OBC भी है, आज हमारे साथ सवर्ण भी है, आज हमारे साथ आदिवासी बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है, और जिसका प्रमाण है कि आदिवासी समाज आज यहाँ बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में आया हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी का यही संदेश है कि जाति धर्म का झगड़ा को छोड़ो और जाति पाति के चक्कर में मत पड़ो, धर्म के चक्कर में मत पड़ो, संविधान की बात करो, और संविधान की रक्षा कोई करेगा तो बहुजन समाज पार्टी करेगी। और बहुजन समाज पार्टी को 2023 में मौका दीजिए, सभी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मेरी अपील यही है कि आदिवासी समाज, OBC ST समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आपने यहाँ पर सुना हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम साहब इनको, और उन्होंने तमाम उन मुद्दों को छेड़ा जिस मुद्दों को लेकर वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान स्थिति में पूरे देश के अंदर में हाहाकार का माहौल है, जहाँ पर आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं हिंदू ठहराने में तमाम मनुवादी पार्टियाँ सफल होते हुए नजर आ रही है। इन तमाम बातों का खंडन करते उन्होंने बताया है कि आखिर आदिवासी समाज अपनी एक संस्कृति रखता है, अपना एक वजूद रखता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो आने वाले छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं, यह छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इसके ऊपर भी उन्होंने खासी अपनी बात रखी है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।